अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं इस वक्त नाज़िमाबाद अंडर पास पर मौजूद हूँ और आज से तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले मैंने आपको यहाँ की वीडियो बना के दिखाई थी कि काम यहाँ पे जो है वो चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कहा जाए या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कहा जाए कि काम जो है वो रुक गया है और इस कदर रुक गया है कि बिल्कुल ही अगर ये कहा जाए कि ना होने के बराबर है यहाँ पे काम, तो ये बात देखी जा सकती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मशीन खड़ी हुई है और किस कदर ट्रैफिक का जो दबाव है वो इस अंडरपास पे है, इंतहाई मसरूफ़ अंडरपास अगर इसको कहा जाए, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं। रोड के उस तरफ के तो कुछ मनाजिर दिखाएंगे, हैवी ट्रैफिक हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, तकरीबन तमाम ही इस रोड से गुजरते हैं, इस अंडरपास को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो है वो सफ़र आसान हो सके या उनका जो है वो रास्ता जो है वो छोटा हो सके। लेकिन सूरत हाल कुछ यूँ है कि जो अंडरपास बनाया गया है उसकी जो तामीर नौ का सिलसिला था, उसको जो कह सकते हैं कि रेनोवेट करने का सिलसिला था, वो भी साथ के साथ रुक गया है और वो अब नहीं हो रहा है, जिससे आवाम को जो है एक खासा बड़ा नुकसान, खासा बड़ा कह सकते हैं कि टाइम का नुकसान है, गाड़ियों का नुकसान है, अपनी गाड़ियों की मैकेनिकल चीज़ों का नुकसान है जो कि फेस करना पड़ता है और फेस करना जो है वो पड़ रहा है। हमने पिछले 1 से 1.5 महीने पहले ये तीनों अंडर पासिस की वीडियोज़ बना के दिखाई थी, जिसमें नाज़िमाबाद का अंडर पास है, जिसमें लियाकताबाद का अंडर पास है, उसके बाद हुसैनाबाद का अंडर पास जो है इसके दरमियान आता है। सबसे ज़्यादा खस्ता हाल इस अंडर पास की थी और ये अंडर पास, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कराची में बहुत डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे जो हैं वो काम चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ कहा जाए या ये कहा जाए कि ना अहली कहा जाए इसको, ये जो काम है उसका सिलसिला जो है वो नहीं शुरू हुआ। हाँ, वक्तन का वक्तन काम यहाँ पे कभी कभी चल रहा होता है, मशीनें आती हैं अपना काम करती हैं। रोड को इस वक्त जो है वो ये कह सकते हैं कि बनाने से पहले रोड को थोड़ा सा जो है वो तोड़ दिया जाता है, जिससे जब गाड़ियाँ गुजरती हैं उसके बाद वो रोड फिर लेवल पे आ जाता है। तो रोड को तोड़ दिया गया है और लेवल पे लाने के लिए, जिसमें हैवी ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे मज़ेदार बात ये कि इस रूट से हैवी ट्रैफिक बहुत चलता है, यानी कि शेरशाह जा रहे हैं अगर आप तो हैवी ट्रैफिक तो चाहिए। देखिए अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते कि बाइक वाले भाई साहब जो हैं वो गिरते गिरते बाल बाल बच गए हैं, क्योंकि ये रोड जो है ऐसा इसको किया जाता है कि फिर यहाँ पे जो बाइक चलाना है वो खासा जो है वो मुश्किल हो जाता है। हैवी ट्रैफिक चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रही हैं, छोटा ट्रैफिक, तकरीबन तमाम ही किस्म का जो है वो ट्रैफिक चल रहा है, जिससे आवाम को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो जहाँ तक बात है ट्रैफिक की, जहाँ तक बात है अंडर पासिस की, जहाँ तक बात है इसकी तामीर की, तो अब मेरे ख्याल से हुकूमतों को ये चाहिए कि जहाँ वो इतने बड़े बड़े इतने अच्छे अच्छे मंसूबे बना रहे हैं, वहीं इस अंडर पास पर भी कुछ नज़र सानी करें ताकि ये अंडर पास जो है वो बने, ये अंडर पास जो है वो तामीर, इसकी तामीर नौका जो है वो सिलसिला इसके शुरू हो सके। तो ये मैं आपको मनाजिर दिखाता रहूँगा, हमारा काम ये है कि डेवलपमेंट जहाँ हो रही है कराची में वो सारे मनाजिर दिखाना, लेकिन जहाँ जहाँ आवाम को नुकसान हो रहा है वो सारे मनाजिर भी दिखाना हमारा ही फ़र्ज़ बनता है। अब काम करना हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि वो यहाँ के काम करें और आवाम को एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिले जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।